पारिवारिक विवाद में पांचपावली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही पिता की हत्या का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालगंज चौक चमका चौक निवासी धर्मराज गणपति महाजन का भाई राजू गणपति महाजन धर्मराज के घर पहुंचा और परिवार के लोगों के साथ गाली गलौज कर चला गया। धर्मराज ने राजू द्वारा गाली गलौज किए जाने की बात उसके भतीजे और राजू के बेटे आरोपी सुशील राजू महाजन को बताई। इसी बीच सुशील का पिता राजू महाजन दोपहिया पर सवार होकर वहाँ पहुँचा तो सुशील ने लात मारकर अपने पिता को नीचे गिरा दिया और सड़क किनारे पड़े पत्थर से राजू महाजन पर वार कर उनकी हत्या की कोशिश की। कल 13/2022 रोजी जवळपास 7:30 वाजता दरम्यान लालगंज चकना चौक इथे एक पोलिसांना एक कॉल आलेला होता, इथे झगडा भांडण सुरू आहे म्हणून। त्या ठिकाणी पोलीस गेल्यानंतर सुशील राजू महाजन आणि राजू गणपती महाजन हे वडील आणि मुलगा आहे, यांच्या घरगुती कारणावरून आपसामध्ये वाद झाला आणि त्या वादामध्ये जखमीचा मुलगा सुशील महाजन याने आपला जखमीला दगडाने डोक्यावर मारून त्याला गंभीर जखमी केले होते। तात्काळ त्यांना जखमीला न्यू हॉस्पिटल येथे भरती करण्यात आले। त्यानंतर फिर जखमीचा भाऊ धनराज गणपती महाजन याच्या फिर्यादीवरून आम्ही अपराध क्रमांक 233/22 307 गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आरोपी सुशील महाजन जखमीचा मुलगा याला आम्ही अटक केलेली आहे। पांचपावली पुलिस ने आरोपी सुशील के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपुर।